दोस्तों, दुनिया में जब किसी कैदी को मौत की सजा दी जाती है तो उसका मरना निश्चित माना जाता है। ऐसी स्थिति में अपराधी की सांसें तेज होनी शुरू हो जाती है और उसके दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर बाकी हर तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसे एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी दी गई लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं हुई? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे समय से पहले मौत भी गले नहीं लगा सकी। क्या है यह कहानी और कौन था वो शख्स, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी है जॉन ली की, जिसका पूरा नाम जॉन हेनरी जॉर्ज बब्बे कॉम्बे ली था। जॉन ली का जन्म 15 अगस्त 1864 को इंग्लैंड के डेवॉन शहर में हुआ था। वैसे कहने को तो वह इंग्लैंड के रॉयल नेवी का एक कर्मचारी था, लेकिन उसका असली काम था चोरी करना। इसके बाद जब वह चोट लगने की वजह से रॉयल नेवी के काम से रिटायर हुआ तो वह नौकरी करने लगा। यहाँ पर एक घर में काम करने के दौरान उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और उसे जेल भी भेज दिया गया। वह जेल में करीब 6 महीने तक रहा, जिसके बाद वह छूट गया। जेल से बाहर आने के बाद उसके गलत छवि की वजह से उसे कहीं और काम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसी दौरान इंग्लैंड के ही टॉर्केस शहर में एमा कीज नाम की एक महिला के घर में उसे काम मिल गया और वह वहां पर बागवानी का काम देखने लगा। दोस्तों, एमा कीज एक अविवाहित लेकिन एक अमीर महिला थी। उसका एक बड़ा सा घर था जिसमें वह अकेली रहती थी। अब आती है तारीख 15 नवंबर 1884 की। इस रात को एमा कीज जल्दी सोने के लिए चली गई। फिर जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि एमा की हत्या हो चुकी है। साथ ही इस घटना से जुड़े सबूतों को मिटाने के लिए उसके घर को आग भी लगा दिया गया है। वैसे तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे, जिसमें से एक जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी। लेकिन उस रात को घर में वह अकेला था, इसलिए शक की सीधी सुई जॉन ली के ऊपर ही गई। इसके बाद उसके ऊपर चोरी वाले मामले का भी एक केस पहले से ही दर्ज था, इसलिए पुलिस को यह कंफर्म करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि इस घटना को जॉन ली ने ही अंजाम दिया है। इस समय जॉन ली की उम्र सिर्फ 20 साल की ही थी और चोरी के बाद अब हत्या के आरोप में वह दूसरी बार जेल जा रहा था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जॉन ली के ऊपर केस चलाया गया। वैसे तो जॉन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उस घटना के वक्त वहां पर सिवाय जॉन के कोई था भी नहीं। उस घटना के पीछे का सच जो भी रहा हो, लेकिन मुकदमे के बाद जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद जज ने जॉन से पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो इस सवाल के जवाब में जॉन ली ने कहा कि मैं बिल्कुल शांत हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूं। अब आती है तारीख 23 फरवरी 1885 की। ये वही तारीख थी जब जॉन ली को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था। अपने फांसी के सुबह जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। उस सपने में उसे दिखाई दिया कि वह फांसी से बच गया है और संजोग से ऐसा ही हुआ भी। 3 बार कोशिश करने के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। जॉन ली के फांसी वाले दिन पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद उसे फांसी वाले जगह पर ले जाया जाता है और फिर जल्लाद द्वारा लीवर खींच लिया जाता है। लेकिन जॉन ली जिन 2 फट्टों पर खड़ा था वह खुला ही नहीं, जिसके बाद जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्त से हटा लिया जाए। इसके बाद उन फट्टों की मरम्मत होती है और अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टों के ऊपर खड़ा किया जाता है, उसके हाथ को 2 लोग पकड़ते हैं, फिर जल्लाद लीवर खींचता है और अब की बार फट्टा खुलता है और वह दूसरा कैदी जो ट्रायल के लिए आया था वह नीचे लटक जाता है। फिर उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है और अब जेलर साहब संतुष्ट हो जाते हैं।
इसके बाद अब दूसरी बार जॉन ली के लिए फांसी की व्यवस्था की जाती है और अब वापस से उसे फांसी दिया जाता है, लेकिन वो फट्टा फिर से नहीं खुलता है और इस बार भी वह जिंदा बच जाता है। इसके बाद जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते हैं, लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं होता है। इस दिन शायद जॉन ली के किस्मत में मौत लिखी ही नहीं थी। जेलर साहब अपनी नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयार हो रहे थे, लेकिन तभी वहां खड़े मेडिकल ऑफिसर से यह देखा ना गया और वह जेलर से बोले कि अगर आपको फांसी देनी है तो आटे के बोरे मंगा लो, मैं अब और आपको इस इंसान की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। जिसके बाद जेलर ने तंग आकर फांसी रोक दी और जॉन को वापस जेल भेज दिया गया। जेल के सभी कैदियों में यह बात फैल चुकी थी कि जॉन फांसी के फंदे से बच निकला है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह हुआ कैसे। फांसी से बचने के बाद जॉन ली का केस इंग्लैंड के सरकार के पास भेजा गया। वहां के होम सेक्रेटरी ने जब उसकी कहानी सुनी तब उन्होंने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद वह 22 सालों तक जेल में बंद रहा। साल 1907 में जब वह जेल से बाहर निकला तब तक वह एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन चुका था। आम लोगों के लिए वह एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने अपनी किताबें लिखी और अपना अपना लॉजिक भी दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपने संस्मरण में लिखा कि उस रोज बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, जिसके कारण शायद लकड़ी फूल गई थी, इसलिए लीवर खींचने के बाद फट्टे आपस में अटक गए। हालांकि इस बात से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला कि जब एक दूसरे कैदी के साथ ट्रायल किया गया था तब फट्टे कैसे खुल गए थे। जेल से रिहा होने के बाद जॉन ली ने शादी किया और उसके दो बच्चे भी हुए। हालांकि अपनी पत्नी को छोड़कर वह एक नई प्रेमिका के साथ अमेरिका भाग गया। इसके बाद आगे उसका क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला, लेकिन कई जगह ऐसा जिक्र मिलता है कि वह साल 1945 तक अमेरिका में रहा और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। तो यही थी कहानी दुनिया के सबसे खुशकिस्मत शख्स जॉन ली की, जो 3 बार फांसी के फंदे से बच निकला था। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।